आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से इफेक्टिव रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा घना बना सकते हैं, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। कई बार मुझसे कमेंट में पूछा गया है कि हेयर ग्रोथ के लिए कुछ बताएं, बालों को घना बनाने के लिए कुछ बताएं। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेमेडी है वो आपके बालों को घना भी बनाएगी, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगी। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आप अपने बालों को घना बनाना चाहते हैं, बालों को सिल्की सॉफ्ट टू शाइनी मैनेजेबल बनाना चाहते हैं, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये वीक में एक बार यूज़ करनी है। अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा घने बाल मिलेंगे। आपके बाल पतले हैं तो आपके धीरे धीरे बाल घने होना शुरू हो जाएंगे और बालों की लेंथ इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपके बाल जो है बहुत दुगनी तिगनी तेज़ी से बढ़ेंगे, साथ ही साथ गंजापन है तो आपको उससे भी छुटकारा मिलेगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, रेमेडी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए एग। मेरे बाल लंबे हैं तो मैंने यहाँ पर 2 एग लिए हैं। अगर आपके बाल छोटे हैं, मेरे से बाल छोटे हैं, तो आप 1 एग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन होता है हमारे बालों के लिए, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम यहाँ पर एग का इस्तेमाल करेंगे। पूरा एग हमें इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है कि वाइट वाला पार्ट यूज़ करना है या फिर येलो वाला पार्ट यूज़ करना है। हम दोनों यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। दोनों अंडों को फोल्ड लिए हैं मैंने। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। और फ्रेंड्स, कई लोग जो है एग नहीं लगाते हैं, तो एग जो लोग नहीं लगाते हैं वो फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जेल बना सकते हैं या फिर बनाना इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छा है हमारे बालों के लिए। अब इसकी स्मेल को कम करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड करना है लेमन जूस। यहाँ पर आप 2 से 3 चम्मच लेमन जूस ऐड कर दीजिए। उसके बाद हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। आपको यहाँ पर ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करना है, कोई और ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल लूँगी 2 चम्मच और इसमें जो चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ वही चीज़ें आपको ऐड करनी है, कोई भी चीज़ नहीं बदलनी है। तो 2 चम्मच ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे एसेंशियल ऑयल। हमने एग का इस्तेमाल किया है तो एग में काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है, उसको कम करने के लिए हमने लेमन जूस डाला है। इसके बाद मैं यहाँ पर एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ, वो है रोजमेरी का। इससे 2 बेनिफिट मिलेंगे, एक तो स्मेल नहीं आएगी, साथ ही साथ हमारी हेयर ग्रोथ जो है वो प्रमोट होगी। हमारे हेयर ग्रोथ जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ है वो भी आपका बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो आपको यहाँ पर 2 से 3 बूंदें ही डालनी है। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स बहुत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अच्छे से कोई रेमेडी आप बनाते हैं, मिक्स नहीं करते हैं, तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद किस तरीके से एप्लीकेशन करना है ये ज़रूर देखिए, मैं आपको अपने बालों में लगा के बताने वाली हूँ। पहले आप अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आपके बालों में तेल नहीं लगा हुआ होना चाहिए, तभी आपको ये रेमेडी लगानी है। अगर आपने तेल लगाया रखा है और रेमेडी का यूज़ कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप अपने स्कैल्प में पहले फोकस करिए, स्कैल्प में अच्छे से लगाइए। तो इस तरीके से आप पूरे स्कैल्प में लगाएंगे और अगर बचता है तो आप अपने बालों की लेंथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर बचता है तो, वरना पहले आप स्कैल्प में अच्छे से लगाइए, उसके बाद ही आप अपने पूरे बालों में लगाइए। फ्रेंड्स, हमने एग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि एग जो होता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे बालों के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। हेयर फॉल अगर आपका हो रहा है तो भी आपके हेल्प करेगा, साथ ही साथ अगर आपका हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाल बिल्कुल भी आपके सॉफ्ट नहीं रहते हैं, सिल्की नहीं रहते हैं, मैनेजेबल नहीं रहते हैं, तो उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 वॉश में ही फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा। आपको ये सिर्फ हफ्ते में एक बार यूज़ करना है। और फ्रेंड्स, आपको कितनी देर तक अप्लाई करना है, आपको सिर्फ आधे घंटे तक ही अपने बालों में रखना है। जब आप अपने पूरे स्कैल्प में लगा लें तो इस तरीके से बन बना लें और इसको आधे घंटे या फिर 45 मिनट के बाद आपको जो है शैम्पू से वॉश करना है। शैम्पू से वॉश करने के बाद लेमन जूस पानी में ऐड करिए और उसके बाद अपने बालों को रिंस कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके बालों से स्मेल नहीं आएगी है कि, और जब आपके बाल ड्राई हो जाएंगे तो आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, बालों में चमक भी आना शुरू हो जाएगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, बेकार हैं, तो आपको एक बार में हो सकता है रिजल्ट ना मिले, लेकिन अगर आप 1 हफ्ते तक इस्तेमाल
इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको कई सारे फ़ायदे भी मिलेंगे और आपको खुद ही फ़र्क देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यूज़फुल लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया है, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।